Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा डिपार्टमेंट, लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा था, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसके बाद हमने देखा था सुपरमार्केट शॉप कैसे होते हैं, आज हम देखने वाले हैं चेन स्टोर्स क्या होता है। चेन स्टोर्स का पहले मीनिंग देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम देखने वाले हैं उसके फीचर्स। यस, सो चेन स्टोर का मीनिंग देखते हैं। चेन स्टोर आर दी लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स, दे आर दी लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स। देखो चेन स्टोर एज नेम सजेस्ट, दे आर हैविंग चेन, समझ रहे हैं, हर एक स्टेशन पे, हर एक सबब में कुछ ना कुछ एक एक उनके ब्रांच होंगे, एक एक उनके आउटलेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, चेन स्टोर का नाम आया आपको सबसे पहले याद आना चाहिए मैकडोनल्ड्स। यस, जैसे आप स्लाइड में भी देख सकते हो मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल आएगा आगे। यस, आपको एक इमेज दिखेगा मैकडोनल्ड का। यस, दीज आर मल्टीपल स्टोर्स ऑफ द सेम ब्रांड ऑपरेटिंग अंडर डिफरेंट सिटीज एरियाज एक्सेट्रा, सेम चीज में डील करता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, आप देखोगे तो मुंबई में बहुत सारे अलग अलग से, ऑलमोस्ट हर एक स्टेशन पे आप देखोगे, कोई कोई स्टेशन में तो दो देखोगे आप, कोई कोई सब ऑप्शन आप दो दो मैकडोनल्ड देखोगे, हर एक मॉल के अंडर देखोगे, समझ रहा है। और क्या उन लोग क्या अलग अलग, हर एक ब्रांच में क्या अलग अलग चीजें मिलती है, हर एक आउटलेट में क्या अलग अलग चीज मिलती है, नहीं, सेम। आलू टिक्की बोलोगे तो आलू टिक्की, और हर एक शॉप में, मुंबई में हो महाराष्ट्र में हो, तो हर एक शॉप में देखो उसका सिमिलर रेट होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं पे एक जगह पे 40 है तो दूसरी जगह पे 45, ऐसा नहीं होता, हर एक आउटलेट में सेम रेट। यस, फीचर्स में हम लोग देखेंगे चीज भी। यस, डेफिनेशन देखते हैं हम जेम्स स्टेफेंसन का, वो बोलते हैं अ चेन स्टोर शॉप्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। क्या बोला है, अ चेन स्टोर शॉप्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स, नंबर ऑफ मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा ही ऑब्वियसली, ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। मैकडोनल्ड इज अ सिंगल फर्म, owned by a single owner, समझ, single owner does not mean कि single owner individual, company, जो company है McDonald, वो McDonald ही company है, yes, उसका अलग-अलग outlet आपको हर एक suburb में दिखेगा मुंबई में, समझ रहा, हो सकता है महाराष्ट्र में हो सकता है, वो McDonald तो ऐसे भी MNC है, अलग-अलग countries में वो deal करता है, समझ रहा, इंडिया में भी अलग-अलग suburb में, अलग-अलग city के अलग-अलग suburb में आपको देखने मिलेगा, generally village side इसका access नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा affordability इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये सब food packages ले सके, इसके लिए cities में, metropolitan city में तो approximately हर एक suburb में आप देखोगे एटलीस्ट एक, समझ रहे क्या। यस, तो ये था आपका डेफिनेशन, अब हम बढ़ते हैं फीचर्स की ओर। सो हम अभी देखेंगे चेन स्टोर के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। इन लोग सिर्फ एचओ से ही नहीं बेचते, ऑब्वियसली अगर एचओ से बेचते तो एक ही लोकेशन होता, और एक ही लोकेशन होता तो एमएनसी कैसे हो सकता है। इसके लिए दे डिस्ट्रीब्यूट देयर फूड प्रोडक्ट्स बोलो या कुछ भी प्रोडक्ट्स बोलो फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड है, यस, ब्रांचेस होते हैं ना उसके अलग अलग, और जनरली देखो इसका एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट इज नियर बाय स्टेशन, इट इज नियर बाय द मेजर लोकेशन जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मिले। आप देखोगे तो देखो मैकडोनल्ड का वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, मॉल में रखेंगे, स्टेशन के आसपास रख देंगे, ताकि क्या हो, लोग आते जाते उसको एक्सेस कर पाए और वो खा सके, समझ रहा है, उनका फूड प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, they are not dealing in 1000 varieties, they deal in 150 varieties, और वही variety में क्या करते हैं, हर एक branch deal करते हैं, they don't deal in, आपने देखा होगा McDonald's में क्या हजार अलग अलग type की आपको ये मिलते, food packages मिलते हैं, क्या नहीं, कुछ कुछ होते हैं 50, 60, 70 max, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा क्या होता है, अलग अलग वेरायटी नहीं होता। यस, बल्क में बनाते हैं, आई एम नॉट सेइंग बल्क में नहीं बनाते, फॉर एग्जाम्पल आलू टिक्की, तो आलू टिक्की तो बल्क में होगी बट आलू टिक्की होगी, समझ रहे, और ऐसे 50-60 और वैरायटी होगी, समझ रहे, वैरायटी में ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी, बट यस, एक ही वैरायटी के बहुत ज्यादा क्या मिल सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, कैश सेल्स, दे बिलीव इन कैश सेल्स, बराबर है, मैकडोनल्ड में आपने देखा है कभी क्रेडिट देते हुए, मैं आप तेरे को 5 दिन के बाद पैसा देता हूँ, आज आलू टिक्की खिला दे, ऐसा नहीं होता, समझ रहे क्या, दे ऑल्सो डील इन कैश सेल्स ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट, देखा होगा आपने मैकडोनल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा होता है, समझ रहा है क्या, वहाँ पे कस्टमर को सर्व करने वाले स्टाफ भी कितने अच्छे खासे वेल बिहेव्ड होते हैं,
तो स्किल्ड स्टाफ होता है, इन शॉर्ट उनका इंग्लिश स्पीकिंग और ये सब बहुत अच्छा होता है। तो ये सब क्या बोलते हैं, स्किल्ड स्टाफ लाना, उसके बाद इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, सीट्स वीट्स रखना, समझ रहा है? तो ये सब में टाइम बहुत, इसमें पैसा, सॉरी पैसा बहुत ज़्यादा जाता है। इसके लिए इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। देखो, लो डज नॉट मीन लोएस्ट, समझ रहे हैं क्या? प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होते हैं। बस आलू टिक्की का 40 रुपीज समवेयर रीजनेबल, समझ रहे हैं क्या? वो ठीक है, मतलब मिडल और हायर लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। लोअर इनकम भी कभी कभी अफोर्ड कर ही सकता है, समझ रहा है? क्योंकि एक आलू टिक्की खा लिया तो आई थिंक सो पेट भर जाएगा, समझ रहा है? तो 40 रुपीज में अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है ना। यस, तो यहाँ पे प्राइजेस थोड़े लो होते हैं, इतने भी आलू टिक्की का 400 रुपये अभी नहीं है, समझ रहा है क्या? विच इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर लोअर इनकम एट ऑल, ऐसा भी नहीं है। एक लिमिट रीजनेबल प्राइस होते हैं वहाँ पे, ज़्यादा महंगे भी नहीं, ज़्यादा सस्ते भी नहीं। एंड यूनिफॉर्म प्राइसेस, आप यहाँ ये सबसे मेन चीज़ है, हर एक ब्रांच में सेम रेट। आप अगर मुलुन का मैकडोनल्ड का खाओगे, थाने का मैकडोनल्ड का खाओगे, यहाँ दोनों पे अलग अलग रेट नहीं होंगे, सेम रेट होगा, समझ रहे हैं क्या? मुलुन के मैकडोनल्ड में आलू टिक्की लो या तो थाने के मैकडोनल्ड में आलू टिक्की लो, दोनों का रेट सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी। आप देखोगे तो स्टाफ का कोड ऑफ कंडक्ट, स्टाफ के कपड़े, समझ रहे हैं? वहाँ पे जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है वो भी सब जगह, कहीं पे देखो अभी हर आप मैकडोनल्ड में कह रहे होगे कंप्यूटराइज सिस्टम ही मिलेगा आपको, बिलिंग ऑर्डर प्लेसिंग सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। कहीं पे ऐसा है कि आपने रजिस्टर से देखा हो, रजिस्टर से ऑर्डर लेता हो? नहीं, यूनिफॉर्मिटी है, समझ रहे हैं? आप देखोगे तो उन लोग का ड्रेस कोड देखोगे मैकडोनल्ड के एम्प्लॉयज का सेम रहेगा, हर एक ब्रांच का सेम रहेगा, फूड प्रोडक्ट्स का जो रेट होगा सेम होगा, समझ रहा है? कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखा रहेगा। एंड दैट इज नॉट फॉर वन सिटी और टू सिटी, इट इज फॉर होल चेन स्टोर, पूरा का पूरा एमएनसी दुनिया में किधर भी है, समझ रहा है? उन लोग का जनरली क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट यूनिफॉर्म होता है, प्राइजेस यूनिफॉर्म होते हैं। यस, लोकेशन जनरली, लोकेशन देखो, लोग ऐसा नहीं हो सकता जगह सेम का सेम हो, मुलुंड में जैसे वैसे ही थाने में हो, वो उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो जो चेयर्स वेयर्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेंगे आपको, कंफर्टेबल होता है वहाँ पे। यस, नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स, दे डील इन क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसके लिए मैंने बोला ना, रीजनेबल प्राइस होता है, एकदम लोएस्ट भी मत समझो कि 5 रुपये में कुछ भी मिलेगा, क्योंकि इन लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, क्वालिटी अच्छा खासा मेंटेन करता है। इसके लिए क्या होता है, थोड़ा प्राइस हाई होता है, समझ गया आपको? यस, सो क्वालिटी मेंटेन, देखो क्वालिटी मेंटेन करना सब कुछ सस्ते में भी चाहिए, ये नहीं हो सकता, समझ रहा है क्या? इसके लिए थोड़ा उन लोग आपसे थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रीट फूड होता है उससे, बट उसके सामने आपको क्वालिटी फूड भी मिलता है, समझ रहे हैं? दैट्स व्हाई दे चार्ज हायर देन रोड वाला, टपरी वाला फूड हमारे लैंग्वेज में। यस, तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स। सबसे पहला फीचर क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रांचेस। ये ब्रांचेस के थ्रू क्या करता है, अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, लार्ज लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, सॉरी लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स मतलब क्या, कम वेराइटी में रखता है वेराइटी, वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ वेराइटी नहीं मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। कैश सेल्स, दे डील इन कैश सेल्स, दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट। लार्ज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक साथ अपने बहुत सारे चेन स्टोर, चेन का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह पे बट एक साथ जुड़े हुए, एक साथ जुड़े किससे, मैनेजमेंट से, एक साथ जुड़े किससे, नाम से, बट अलग अलग कैसे है, लोकेशन से, समझ रहा है क्या? अलग अलग जगह पे उन लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए उनका नाम है चेन स्टोर्स, समझ रहे हैं? कैश सेल्स ही करते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। लो एंड यूनिफॉर्म प्राइजेस, I can say that reasonable and uniform prices, आपके बुक में लिखा है लो, बट yeah, that is reasonable prices. Next है आपका uniformity in code of conduct and everything, approximately everything आपको MNC में uniformity मिलेगा। Yes, पूरा MNC में जहाँ जहाँ इसके चेन स्टोर है, जहाँ जहाँ इसके ब्रांचेस है, हर जगह पर uniformity आपको दिखेगा। Next point है quality of goods, quality of good is very good, that's why they charge थोड़ा सा प्रीमियम, समझ रहे, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, रीजनेबल प्राइस में डील करते हैं। यस, सो दीज आर दी मीनिंग डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ दी चेन स्टोर्स। होपफुली आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझा होगा। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब ई कीड़ा। थैंक यू।